नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। दमोह जिले में अवैध शराब का कारोबार जमकर फलीफूत हो रहा है, जबकि लॉकडाउन के दौरान भी जिले में हो रहे अवैध शराब के कारोबार को सोशल मीडिया समाचार पत्रों की सुर्खियां लगातार बनी। यहां तक कि विभिन्न थाना क्षेत्र में भी अवैध शराब पकड़ी गई, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा विगत दिवस फिर से अवैध शराब पकड़ी गई और पुलिस के हवाले किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटेरा के ग्राम कुंवरपुर में 50 पाव अवैध शराब ले जा रहे दो आरोपी मदन गोपाल पिता हीरालाल राय, उम्र 22 साल, सहसना थाना जबेरा, प्रदीप पिता कल्लू रजक 19 वर्ष, 25 पाव लाल शराब, 25 पाव सफेद गाड़ी, हीरो एचएफ डिलेक्स MP34 MG1268 बैग में भरकर ले जा रहा था। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा पटेरा थाना में सूचना देकर अवैध शराब को जब्त कराकर कार्रवाई करवाई गई। हम लोग और सूचना मिली थी कि यहाँ से शराब आ रही है, तो हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर वहाँ जाकर शराब पकड़ा। कौन गांव के पास? कुंवरपुर, जिला कुंवरपुर है ना जी। जी कहाँ से निकली थी शराब? ये पटेरा तलाली। कितने क्वार्टर थे जी? 25 लाल, 25 लेन, दो आरोपी और एक गाड़ी। आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी दमोह के हैं, दोनों जगह से बता रहे थे। नाम पता है आरोपी? नाम पता है, कर्मचारी मेरे को प्लान की है। 25 प्लान, 25 लाल, एक आरोपी। कहाँ पे ये पकड़ी शराब आपने? ये कुंवरपुर के पास पुलिस को सूचना देकर पकड़वाई थी। यह थे शराब कहाँ की बिक रही थी? ये पटेरा कलारी की है। आरोपी दोनों बता रहे हैं कि एकदम एक रहने वाले विजय कुमार पुर में। कितने जने थे संगठन वाले आप लोग? हम लोग 6-7 लोग थे। 6-7 लोगों ने पकड़ी थी जी।